नमस्कार, मैं अजय पाल और आप देख रहे हैं बोल राजस्थान। राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और सरदार शहर पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा जा चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक पिंचा है और अशोक पिंचा को जिताने के लिए और कांग्रेस के गढ़ को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धाओं की लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर 40 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने गढ़ को बचाने के लिए 40 योद्धाओं को यहाँ पर उतार दिए हैं और उनको निर्देश दिया गया है कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करके उन जनता को वोटों में तब्दील करें। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मैदान में है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाट कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, जो कि लालचंद मूंड है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आरएलपी से दोनों ही पार्टियों को नुकसान है। बताया यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा थे, उनसे जाट समुदाय के लोग जो थे नाराज चल रहे थे और भंवरलाल शर्मा और जाटों का तालमेल कभी बैठा ही नहीं था, जिसके कारण सारे जाट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जा रहे थे। और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार लिया है और वो जाट कैंडिडेट हैं, जिसके लिए जाटों के वोटर हैं वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस को भी नुकसान होने के आसार हैं, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि नामांकन रैली के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा को खुद को जाट का बेटा बताने तक का बयान देना पड़ा। वहीं कांग्रेस और भाजपा के दोनों के 40-40 स्टार प्रचारकों के बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अपनी तूफानी रैलियाँ जारी रखेगी, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक हैं, जो अपने तीनों एमएलए पुगराज गर्ग, नारायण बेनीवाल और इंदिरा बावरी को साथ में लेकर तूफानी रैली करेंगे और जनता के बीच में जाकर समर्थन देने की अपील करेंगे। अपने नामांकन रैली के अंदर भी हनुमान बेनीवाल ने जाट के अलावा सभी समुदाय को साधने की कोशिश की और खासकर मुस्लिम समुदाय को साधने की उन्होंने कोशिश की। आपको बता दें कि ये विधानसभा उपचुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो उनके काम पर मोहर लगेगी और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव निकालने में कामयाब हो जाती है तो ये समझा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार लगभग बनना तय है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या जीत भी जाती है या फिर दूसरे नंबर भी रह जाती है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा से दोनों में से एक पार्टी तीसरे नंबर पर जाना तय है। विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर के अंदर 2,89,500 वोट हैं, जिनमें से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र के अंदर 67,000 वोट हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2,19,500 वोट हैं। इसके अलावा हम जाति वाइज बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जो हैं जाटों का हैं, जो 65,000 हैं। इसके अलावा दलितों के वोट 55,000 हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हैं। जाटों के बाद में जो कोई भी दलितों के वोट लेने में कामयाब होगा वो पार्टी यहाँ पर चुनाव निकाल सकती है। इसके अलावा ब्राह्मणों के वोट 45,000 हैं। ब्राह्मणों के बाद में सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम समुदाय के हैं, जो कि 23,000 विधानसभा क्षेत्र के अंदर वोट हैं। इसके अलावा राजपूतों के 20,000 वोट हैं और माली समाज के 10,000 वोट हैं और कुमारों के 8,000 वोट हैं और स्वामियों के भी 8 से 8,500 के लगभग यहाँ पर वोट हैं। वहीं सूत्रों के 7,000, स्वनियों के 8,000 और जैन के 4,000 वोट हैं। इसके अलावा भी लगभग 19,500 अन्य वोट हैं। अब देखना यह होगा जब जनता ये फैसला करेगी 5 दिसंबर को वोट डाल के कि वो किन को समर्थन देती हैं और किसको जिताकर विधानसभा भेजती हैं, जिसका परिणाम 8 दिसंबर को आप सबको देखने को मिलेगा। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस बार सरदार शहर के अंदर किसका पलड़ा भारी लग रहा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज बोल राजस्थान को भी लाइक और फॉलो जरूर करें।